एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में उन कैंडिडेट्स के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एंट्रेंस दिया था और अब उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी के रिजल्ट्स निकाल चुका है जामिया ऑलरेडी, तो देखते हैं अभी रिसेंट में किसके किसके रिजल्ट निकले हैं। तो JMI.CoE पे आपको जाना है, जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का आइकन शो होगा, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। यहाँ पर जब आप आएँगे तो ये आप एडमिशन सेक्शन दिख रहा है आपको, एडमिशन रिजल्ट में जाना है आपको। एडमिशन रिजल्ट में जाते ही पे आपको ऐसे ओपन करने के बाद कोर्स टाइप और कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप में आप बैचलर्स सेलेक्ट करेंगे और कोर्स नेम मैं आपको बताती हूँ बैचलर्स में कौन कौन सा आ गया है। बी ऑनर्स अरेबिक का आ गया है, देन उसके बाद बी ऑनर्स LLB का आ गया है, बी ऑनर्स पोर्शन, या इनका रिज़ल्ट आ गया है। और इसके बाद ही आपका रिज़ल्ट इसका भी आ चुका है, बी ए एंड BSc ऑनर्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इन सब के रिज़ल्ट आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम PG डिप्लोमा में बात करें तो PG डिप्लोमा में आपका आ गया है डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया जी, इन तीनों का ही आ चुका है रिज़ल्ट PG डिप्लोमा में। और एडवांस डिप्लोमा के भी रिज़ल्ट आए हैं, तो अगर जब आप कोर्स टाइप में एडवांस डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एडवांस डिप्लोमा के भी रिजल्ट्स अपलोड हो चुके हैं। इसमें आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी A09 का कोड है, सेल्फ फाइनेंस्ड है, ये आ चुका है। उसके अलावा आपके रिजल्ट्स की अगर बात करें तो डिप्लोमा में भी रिज़ल्ट आया है, डिप्लोमा में जो रिज़ल्ट आया है वो है डिप्लोमा में D21, ये डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी आ चुका है आपका। देन कोर्स टाइप में अगर बात करें इसकी MA की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो आपको आ गया है आपका मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट आ चुका है, MSc इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट आया है, या MSc इकोनॉमिक्स आपको मैं कहाँ गया, या दैट्स इट। इसमें इतने रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसके बाद हम बात करें अगर PhD की, तो PhD में ऑलरेडी रिज़ल्ट निकाल चुका है, स्कूल के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो भी कोर्स टाइप और कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, कोर्स टाइप क्या है आपको बताना है, कोर्स नेम सेलेक्ट करके कैप्चा टाइप करके सर्च कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सा रिज़ल्ट, मतलब जो भी रिज़ल्ट आया है उसका क्या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट क्या है। So that's it for